तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्मा सेल्फ मैक में। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक अल्टरनेटर आया है जो कि है पीएमपी कंपनी का। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये चार्जिंग बल्ब को नहीं जला रहा था, बार बार जला रहा था और बंद कर रहा था। तो क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, किस वजह से ये चार्जिंग बल्ब को नहीं जला रहा था, आज आपको हम बताएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके स्लिप रिंग जो है, देखें, इसे हमने खोला और स्लिप रिंग इसके देखें तो ये कटे हुए हैं। मतलब जो कार्बन है वो सही से नहीं लग रहे थे, स्लिप रिंग पूरा कट चुका है। इसी वजह से दोस्तों ये जो है चार्जिंग बल्ब नहीं जला रहा था। तो ये एकदम घिस चुके हैं, जो ऊपर कॉपर लगा होता है पूरा कट गया है। तो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, इसके स्लिप रिंग को चेंज करना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि इसके स्लिप रिंग को कैसे चेंज करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बैरिंग को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें जो बैरिंग है हमारा, इस बैरिंग को निकाल लेंगे। इस तरीके से एक बाल ले लेंगे, बाल से हम हथौड़ी से चोट लगाएंगे और ये बैरिंग बाहर निकल आएगा धीरे धीरे। तो ये देखिए दोस्तों, बैरिंग जो है निकल चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं, बैरिंग को हमने निकाल लिया है और अब इस बैरिंग को रख दे साइड में। और उसके बाद में दोस्तों स्लिप रिंग को निकालना है हमें। तो स्लिप रिंग को निकालने से पहले दोस्तों, हमें इसके जो वायर जो है, रूटर के वायर जो होते हैं स्लिप रिंग पे जो शोल्ड होते हैं, इन्हें हटाना होगा। शोल्डिंग इसकी हटानी होगी, उसके बाद में हमें स्लिप रिंग निकालना है। तो इसकी शोल्डिंग को हटा लेते हैं। तो दोस्तों, शोल्डिंग तो हम हटा लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें जो दो स्लिप रिंग हैं, एक ऊपर का है एक नीचे का है, और दो वायर हैं। तो दोनों वायर को जिस तरीके से हमारे शोल्ड हैं सीधे, उसी तरीके से करना है। तो ध्यान से हमें इन्हें करना है। तो सबसे पहले हम इसका चेंज करने का तरीका सीख लेंगे। वायर को जहाँ से हटाना है वहीं पे लगाना है। तो कैसे करेंगे ये पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसे निकालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मार्कर ले लेंगे और एक वायर की तरफ, किसी भी वायर की तरफ मार्क कर देंगे, जिससे कि दोस्तों याद रहे हमें कि ये वाला वायर कौन से स्लिप रिंग पर है। तो और बैटरी के वायर लेंगे उसके बाद 12 वोल्ट, और फिर उसके बाद हम ऊपर जो हमारी शोल्डर जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर लगाएँगे। तो दोस्तों, ये वाला वायर जो है नीचे वाले स्लिप रिंग पर स्पार्क करेगा, फॉल्ट करेगा। तो हमारा समझ लीजिए जो वायर है, ये वाला वायर नीचे वाले स्लिप रिंग पर लगा हुआ है। तो अगर इस तरीके से हम चेक करेंगे, या आप कोई टेस्टर हो मीटर उससे चेक कर सकते हैं। जब यहाँ से फुल क्वांटिटी दिखाए तो समझ लेना ये वाला वायर नीचे वाले स्लिप रिंग पर लगा हुआ है। तो इसी तरीके से एक वायर को चेक कर लेंगे और उसके बाद में फिर सोल्डिंग हटाएंगे और फिर स्लिप रिंग को बाहर निकाल लेंगे। तो ये कर लेना है, उसके बाद में ही हमें चेंज करना है। अगर हम ऐसे ही चेंज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसे अब हम सोल्डिंग हटा लेते हैं। तो इसकी सोल्डिंग हमने हटा ली है, स्लिप रिंग की जो वायर लगे होते हैं, सोल्डिंग को हटा लिया है और अब स्लिप रिंग को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से स्लिप रिंग को बाहर निकालना है। तो इस तरीके से हमें इस स्लिप रिंग को निकाल लेना है एक बाल से, और ये हम हथौड़ी से चोट लगाएंगे और ये देखिए निकल रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे हमें इसे निकाल लेना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये स्लिप रिंग हमने निकाल लिया है और जिस तरीके से हमने मार्क किया था, उस पर मार्क लगाया था तार पे, उस वायर को हम नीचे वाले रिंग पर रखेंगे। तो अभी दोस्तों हमें नया स्लिप रिंग ले लेना है और उसके बाद में उसे हमें चेक करना है कि कौन सा पॉइंट नीचे वाले स्लिप रिंग पर जो है करंट सप्लाई दे रहा है। तो ये हो गया पुराना, इसे हम हटा देते हैं, ये नया वाला ले लेंगे और फिर इसमें चेक करेंगे। तो अभी बैटरी के वायर हमने ले लिए और इस पॉइंट पे लगा लेते हैं, किसी भी पॉइंट पे लगा के चेक कर लीजिए। अगर नीचे वाले बोल रहा दिखे, ये नीचे वाले पे सप्लाई दे रहा है तो ये एकदम सही है, ये वाला पॉइंट है। और जिस वायर पे हमने मार्क किया था, उस वायर को इस वाले पॉइंट पे रखेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें स्लिप रिंग को चेक करके ही लगाना है, मतलब जो तरीका बताया है उस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों चलिए अब स्लिप रिंग को बिठा लेते हैं, जो वायर है उन्हें सीधा कर लेंगे और इसमें जो छेद होते हैं उसी छेद में हम डालेंगे दोनों वायर को और इसे बिठा लेंगे।
देखिए इस तरीके से हमें बैठा लेना है। ये बैठ चुका है, थोड़ा और बैठेगा, अभी पूरा नहीं बैठा है अभी, तो इसे पूरी तरीके से हमें बैठा लेना है। और फिर उसके बाद में जो बाहर निकल के आएंगे उन्हें हमें सोल्ड करना है। तो दोस्तों देखिए ये वायर जो है हमारे वायर आ चुके हैं दोनों वायर, और इन दोनों वायर को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और उसके बाद में फिर इसमें फिट करेंगे, मतलब सोल्ड करेंगे। तो ये देखिए वायर दोनों हमने लगा दिए हैं दोनों पॉइंट पे स्लिप रिंग के, और फिर इसे सोल्ड करते हैं। तो दोस्तों ये आयरन की मदद से हम इन्हें अच्छे से सोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इन्हें सोल्ड कर लेना है, देख सकते हैं आप, ये लूज नहीं रहना चाहिए नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो इन्हें अच्छे से सोल्ड कर लेना है। तो दोस्तों दोनों वायर हमने सोल्ड कर लिए हैं, और चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से काम कर रहा है, मतलब हमारा स्लिप रिंग सही से फिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब इसके बैरिंग को बिठा लेंगे। तो ये है इसका बैरिंग, और इस बैरिंग को बिठा लेते हैं। तो इस तरीके से बैरिंग को हमें बिठा लेना है। दोस्तों बैरिंग भी हमारा बैठ चुका है, और उसके बाद में अब हम जो है अल्टरनेटर को फिट करेंगे। तो जो हमारा स्टेटर है इसे हम रूटर में बिठाएंगे, और ये एकदम ओके स्लिप रिंग बैठ चुका है। और चलिए अब इसे फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो कार्बन होते हैं, सबसे पहले हम इन्हें लॉक करेंगे। अगर ऐसे ही फिट करेंगे तो कार्बन हमारे टूट जाएंगे, तो इन्हें लॉक करना पड़ेगा। तो इसे हम उंगली से अंदर की ओर दबाएंगे, और एक तीली लेंगे, और ये पीछे से जो छेद होता है दोस्तों, इस छेद में हम तीली को डालेंगे। और उसके बाद में ये जो है हमारा जो कार्बन होते हैं ये लॉक हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों कार्बन लॉक हो गए हैं, तीली इधर बाहर आ गई है। तो अब इसके बाद में हम इसे बिठाएंगे। तो अभी हम इसे बिठा लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें बिठा लेना है। ये जो हमारा रॉड जो होते हैं हमारे स्टेड, उनका सेंटर सही कर लेना है, उसके बाद में इसे बिठाना है। अगर सेंटर आउट रहेगा तो दिक्कत आएगी। ये रॉड के सेंटर को सही ध्यान से बिठाना है। तो ये स्टेटर बैठ चुका है, और तीली को बाहर निकाल लेते हैं, और फिर इसके स्टेड जो हैं उन्हें टाइट करेंगे। और दोस्तों अब इसके जो स्टेड हैं इन्हें हम टाइट कर लेते हैं। तो ये तीनों स्टेड को हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों तीनों स्टेड हमने टाइट कर लिए हैं, और अल्टरनेटर हमारा फिट हो चुका है। और चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये करंट निकाल रहा है या नहीं। तो चलिए फटाफट से इसमें चार्जिंग बल्ब जो है लगा लिया है हमने, और फिर इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं चार्जिंग बल्ब नहीं जल रहा था पहले, और अभी ये चार्जिंग बल्ब हमारा जल रहा है। तो अल्टरनेटर हमारा सही है, और एक बार आपको रस्सी खींच के भी दिखा देते हैं तो बल्ब जो हमारा बंद होता है या नहीं। तो दोस्तों रस्सी को लपेट लिया और खींच रहे हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों बल्ब हमारा बंद हो रहा है, अल्टरनेटर सही है।